सहाबा को शहादत अता पर मांगना आजमाया। जब हम इतने पड़े पड़े जलील कद्र सहाबियों को आजमा सकते हैं तो आए मुसलमानों तुम कौन हो, हम तुम्हें क्या आजमाएंगे। अब दिल्ली में अगर चंद लोग अगर कत्ल कर दिए गए तो इस पर खौफ को हरास न करना। कुरान की आयत से हम इस्तेलाल कर रहे हैं, हम ये मौके तुम्हें देंगे, हम ऐसी मुसीबतें तुम्हारे ऊपर लाएंगे, हम ऐसी आजमाइशें तुम्हारे ऊपर लाएंगे। वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ वनफ्सिन मिनल अमवालि वल अन्फुसि वस्समरात, हम तुम्हारी जाने लेकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, खुशखबरी है आगे। वस्समरात, हम तुम्हारी खेती बाड़ी, और इसका तर्जुमा ये कर दूं, हम तुम्हारा तुम्हारे कारोबार में बर्बाद करके तुम्हारे कारोबार में नुकसान पहुंचा कर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। आज कारोबार चौपट है, सबके चौपट है, अंसारियों का भी है, किसानों का भी है, किसान को आप हत्या कर रहे हैं, लोग किस किस तरीके से समझते हैं, दूसरी है इसको बिल्कुल जैसे एक आदमी की दो बीवियां हो तो पहली बीवी दूसरी बीवी को पसंद नहीं करती है जो बाद में शादी की गई। अब पहली बीवी क्या चाहती है, अचानक पता चला कि आदमी मर गया तो उसको अपने आदमी के मर जाने का दुख नहीं है, खुश है, क्यों, चल तेरे पास नहीं है, यानी मेरा आदमी मरता है मर जाए लेकिन सौतन खुश ना रहे। इस वक्त हिंदुस्तान की कंडीशन वही है, सारे हिंदुस्तानी परेशान हैं कारोबार से, बिजनेस से, व्यापारी परेशान, बिजनेसमैन परेशान, किसान परेशान, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी खुश नहीं है, सब परेशान, लेकिन फिर भी हम वोट यही देंगे, क्यों, मुसलमान खुश ना रहे, मुसलमान खुश ना रहे, ये सूरत हाल है। जैसे मेरा आदमी मर रहा मर गया मर जाए, सौतन खुश ना हो, यही हाल आज हमारे भारत का हो चुका है। हम परेशान हैं, हम मर रहे मरे लेकिन ये खुश ना रहे, ये कभी खुश ना रहे, इसलिए ये सारा काम मेरे भाइयों वाले अनफुस, हम तुम्हारी जाने लेकर भी आजमाएंगे, तुम्हारे कारोबार को बर्बाद करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। मेरे भाइयों, इन तमाम सूरतों में हमें आजमाया गया है और आजमाए जा रहे हैं हम, लेकिन आखिर में आपसे बात कहता हूं, आखिर वाली बात सुन लीजिएगा, खौफ और दहशत के माहौल में सब्र करने वालों, वलजू भूखा रहने पर सब्र करने वालों, यानी भूखा तुम्हें मारा गया, खौफ और दहशत में तुम्हें डाला गया, लेकिन तुमने रब का दामन नहीं छोड़ा, तुमने तौहीद नहीं छोड़ी, एक अल्लाह का दरबार नहीं छोड़ा, तुमने सब्र किया, वाल तुम्हारे मालों में नुकसान किया गया, लेकिन तुमने उस पर आंसू तो बहाए लेकिन शिकायत नहीं की, सब्र किया, एक अल्लाह का दामन नहीं छोड़ा, एक अल्लाह का दर नहीं छोड़ा, वलम तुस तुम्हारी जाने ली गई, लेकिन तुमने कहा इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन, सब्र किया, तुम्हारे कारोबार बर्बाद किए गए और उस पर भी तुमने सब्र किया, तो आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे इन तमाम नेक बंदों से, इन तमाम मुसीबतों में सब्र करने वाले बंदों से कह दो, तुम्हें इंडिया मिले न मिले, तुम्हें दुनिया का कोना मिले न मिले, चंद दिन की जिंदगी किसी तरह कट जाएगी कट जाएगी, लेकिन सब्र करने का इनाम ये होगा कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे इन बंदों से कह दो, वबशिर साबिरीन, ऐ सब्र करने वालों, तुम्हारे ही अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे खोल रखे हैं, तुम्हें जन्नत मिल रहेगी, तुम्हें जन्नत से कोई नहीं रोक सकता। इन मुसीबतों में हमें और आपको सब्र करने का की जरूरत है, और सब्र का माना मैंने पहले ही बता दिया, जितना मुमकिन हो सके अपना इत्तेफाक देना, मसलन हमें मालूम है कि जगह जाएंगे खतरा है, हम बच जाएंगे, आपको मालूम है कि इस रास्ते से हमें खतरा है, आप रास्ता चेंज कर दीजिए, जान बूझ कर अपने आप को हलाकत और बर्बादी में हम न डालें, जितना मुमकिन हो सके, जितना इस्तेआत हो उतना हमें और आपको बचने की जरूरत है, एहतियात करने की जरूरत है। इस वक्त ये बात मान के चलो कि ये लहर तुम्हारे हाथ में नहीं है, आप ये मान के चलिए एजेंडा दूसरा है, वो उस एजेंडे पर अमल हो रहा है, एजेंडा
ये सिर्फ कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बल्कि मुस्लिम मुक्त भारत बनाने का मेरे भाइयों एजेंडा है, उस एजेंडे पर काम हो रहा है। हमें और आपको बहुत ही सब्र की जरूरत है। दूसरी बात एक और है कि हम अकेले कहां तक लड़ेंगे, आप ये भी जानते हो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं अकेला कहां तक लड़ूंगा, मैं तन्हा हूं। खुद आपको अंदाजा लगाइए कि आपका साथ है, आपका कानून है, लेकिन आप ही यहां से हमारी मुखालफत भी है, आप ही की यहां से हमारा शिराजा भी करता है, आप ही की यहां से चिंगारी पूरे हिंदुस्तान में कल तक टीवी में दिखाया गया, कल तक और कल को छोड़ो आज तक टीवी में दिखाया जा रहा है, वो चिंगारी आज तक है मेरे भाइयों। लेकिन हमें खुशी है कि हमारा वो मुखालिफ, हमारा वो दुश्मन जो भी है, आप सब समझ रहे हैं, उसको भी रात के 12 बजे तक नींद नहीं आती है जब तक कि वो यूट्यूब पर मेरी ये तकरीर सुन रही है। इस वक्त सबसे ज्यादा वो मेरी तकरीर सुन रहा है, अपने घर के अंदर सुन रहा है, चोरी छुपे सुन रहा है, उसमें से कटिंग करके निकालने की कोशिश करके वो इंडिया टीवी और जी न्यूज को पहुंचा रहा है। सलाम है मेरी अजमत को और तुम्हारी बुजदिली को कि अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारे घर में मेरी आवाज यूट्यूब के जरिए मेरी आवाज रात के 2-2 बजे तक मेरी तकरीर सुन रहे हो। जर्जीस तुम्हें सोने नहीं दे रहा है, तुम्हें ख्वाब में भी जर्जीस नजर आ रहा है, ये हमारी कामयाबी की सबसे बड़ी दलील है। मेरे भाइयों तुम सुनते रहो मुझे, देखते रहो मुझे यूट्यूब के जरिए, इंशाल्लाह मेरी दहाड़ मेरी ललकार हक की आवाज तुम्हारे घरों में भी गूंजेगी। ये अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह का फजल है। अल्लाह जहां तक हमारी आवाज पहुंचाना चाहे पहुंचाएगा और पहुंचाया। इस वक्त अल्लाह का शुक्र है पूरे हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह ने हमें जो मकाम दिया है, ये हमारी इज्जत नहीं, ये हमारे कारा वालों की इज्जत, हमारी जमात की इज्जत, हमारे अहले हदीसों की इज्जत, हमारे अहले हदीस का मकाम। मेरे प्यारे साथियों हम अपनी इस अजमत को बरकरार रखना चाहते हैं और हम वादा करना चाहते हैं मेरे भाई आपसे कि अल्लाह तबारक व तआला का फजल करम है, हम आपसे अकेले फिर ये कहूंगा कि मैं अकेले नहीं लेकिन समझौता भी नहीं करूंगा, जुल्म के आगे हथियार भी नहीं आऊंगा। जो चीजें कहीं कहीं इंटरव्यू में हमने बहुत कुछ कहा लेकिन इंटरव्यू हमारा नहीं कराया जा रहा है, बस आपसे सब्र की तरफी करता हूं। हर मुमकिन तरीके से दिफा करिए अपना। आइए हम सब दुआ करें अल्लाह ताला से कि बारे अल्लाह तो हमारी खताओं से माफ फरमा ले, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जो भी मुसलमान को रहम फरमा, हमारे अल्लाह जहां जहां भी दंगों की शक्ल है अल्लाह वहां अपने अमल के फल बरसा दे। फिर भी मुसलमान से ईसाई सबकी हिफाजत आमीन। अल्लाह एक दंगे में सिर्फ मुसलमान ही नहीं मरते, अल्लाह हमारे गैर मुस्लिम भाई भी मरते। दहली के अंदर वो बेचारा एक हेड कांस्टेबल कमलनाथ की भी जान गई, वो हिंदुओं को बचाने नहीं, मुसलमान को बचाने नहीं, बल्कि इस देश को बचाने में उसकी जान गई। उसको शहादत का दर्जा हमारी गवर्नमेंट को देना चाहिए। बहरहाल हम उससे दुआ करते हैं इस देश के अंदर तो हम अमन कायम फरमा दे, हमारे भारत को सोने की चिड़िया बना दे। जो लोग भी इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं बारेगा तो इनको इस देश की और हसन बसरी बदुआ नहीं कर सके, हमारा ईमान उतना मजबूत नहीं, हम जुल्म के आगे टूट चुके हैं अल्लाह, जुल्म के आगे हम बिखर चुके हैं, जुल्म ने हमारी कमरें तोड़ कर रखी है, हमारे भारत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बस आखिर में हम उससे यही दुआ करते हैं अल्लाह, जो हमारे मुल्क भारत को नुकसान पहुंचा रहा हो, जो हमारे मुल्क भारत को तोड़ रहा हो, जो भी हमारे मुल्क भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को आपस में जलाने की प्लानिंग कर रहा हो और उनको बर्बाद करना चाहता हो अल्लाह, उसको बर्बाद उसको हस्ती से मैट दे अल्लाह। जो हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद करना चाहता है अल्लाह तो उसको नष्ट कर दे, उसको खत्म कर दे। और ये भी हम तुमसे दुआ करते हैं अल्लाह, जो हमारे मुल्क को बर्बाद करने का सपना देख रहा है उसको ऐसे कुत्ते की मौत को अता फरमा जो बाद में आने वाले लोगों के लिए शान इबरत बन जाए, बाद में आने वाले लोगों के लिए शान इबरत बन जाए। उसको ऐसी खतरनाक और खतरनाक मौत अता फरमा, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हम सब को आपस में भाई भाई की तरह रहने की तौफीक अता फरमा। हम हनफी शाफी मालिकी हनबली बरेलवी देवबंदी सबको एक प्लेटफॉर्म पर कायम फरमा, जरूरत है अल्लाह हम सबको अपने आपसी झगड़े अपने घर में सुलझाने की तौफीक अता फरमा। ये हमारे घर के झगड़े हमें तो घर में निकाल लेंगे लेकिन इस वक्त हम सबको एक प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है अल्लाह, हम सबको आपस में सके भाई की तरह भाई भाई बनाए। आमीन। हिंदू मुसलमान से ईसाइयों को
को ये अल्लाह इतना हमदर्द एक दूसरे का बना दे कि अगर तकलीफ हिंदुओं को हो तो दर्द पूरे भारत के मुसलमानों के दिल में महसूस हो। सिख बेचारा अगर मर रहा है तो पूरे भारत के मुसलमान उसकी मदद के लिए तड़प रहे हैं। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को भी, हिंदुओं को भी, सिखों को भी, ईसाइयों को भी, बुद्धिस्टों को भी, जैनियों को भी ऐसा भाई भाई बना दे कि किसी एक धार्मिक व्यक्ति को तकलीफ हो रही हो तो उस पर दर्द हम तमाम हिंदुस्तानियों के, तमाम भारतीयों के दिल में पैदा हो और उसकी मदद करने वाले बन जाए। जब तक तो हमें जिंदा रखना, इस्लाम को जिंदा रखना और हमारा खात्मा हो ईमान का हमारा खात्मा होना। आमीन। ला इलाहा इल्ला अल्लाह सुभान अल्लाह इन्नी कुंतु मिनस सालिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन वा फिल आखिरति हसनतन वा क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अन्फुसना वा इन लम तग़फिर लना वा तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अन्तस समीउल अलीम वा तुब अलैना इन्नका अन्तत तव्वाबुर रहीम वा सल्लल्लाहु ta'ala ala khayri khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya